डॉक्टर बाईएस परमार, औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र धौला कुआं को देश में डेलिया फूल की टेस्टिंग का लीड सेंटर के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के पौधा किस्म और कृषक अधिकार प्राधिकरण ने धौला कुआं अनुसंधान केंद्र को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का लीड सेंटर बनाया है, जिससे आने वाले समय में राज्य में डेलिया की खेती को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह पहली बार है कि किसी परियोजना के तहत इस फूल को विभिन्न किस्मों को हिमाचल में टेस्टिंग के लिए लाया गया है। स्टेशन पर चल रहे अनुसंधान से आने वाले समय में प्रदेश के किसानों के बीच डेलिया की व्यावसायिक खेती को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस अनुसंधान केंद्र को फूलों पर शोध कार्य करते ज्यादा समय नहीं हुआ है। केंद्र ने वर्ष 2012 में सजावटी पौधों पर काम शुरू किया था। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अनुसंधान केंद्र ने काफी प्रगति की है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार प्राधिकरण ने 2016 से 2017 में 18 लाख रुपए की राशि की एक परियोजना इस केंद्र को स्वीकृत की थी। इसके तहत आकार और श्रेणियों की 50 से अधिक किस्में उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों से केंद्र पर लाई गई थी। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच सी शर्मा ने कहा कि हिमाचल के किसान इस नई फसल को कट फ्लावर के साथ साथ पॉट प्लांट प्रोडक्शन के लिए भी अपना सकते हैं, जो न केवल फसल विविधीकरण में मददगार होगा बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ा सकती है। डेलिया पॉट प्लांट प्रोडक्शन वर्डर मास प्लांटेशन और कट फ्लावर आदि के लिए उपयुक्त है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए शोध में पाया है कि मांटोगिनी मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता, तेनजिन सूर्यदेव, जिशु गिलोड़ी, एसपी कमला जैसी किस्में निचली पहाड़ी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त पाई गई है। कट फ्लावर उत्पादन के लिए मांटोगिनी, जिशु, सोहिनी, ब्लैक इंटरनिटी, सूर्यदेव, मास शारदा किस्में उपयुक्त पाए गए हैं। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो धौला कुआं है, इसको डेलिया टेस्टिंग के लिए जो है PPBFRA ने जो है लीड सेंटर घोषित किया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी को 18 लाख के प्रोजेक्ट मिली है, जिसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर प्रियंका ठाकुर हैं और डॉक्टर ए की जोशी जो है वहाँ पे एसोसिएट डायरेक्टर हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमें जो है 50 किस्में जो है डेलिया की उनको टेस्ट कर रहे हैं और इसमें से जो अच्छी किस्में होंगी उनको हम जो है आगे जो है हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म और फ्लोरिकल्चर के लिए बढ़ावा देने में काम आएगी। इसमें मुख्यतः जो वैरायटीज है उसमें मटुंगनी, मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता या सूर्यादेवा जैसी वैरायटी जो हैं वो जो हिमाचल के लिए जो है बहुत सुटेबल हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो हमें जानकारी मिलेगी उससे हम वो किस्मों को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे वातावरण हमारे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी तरह जो हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं और उसके बाद हम किसानों को जो है ये भी आगे ट्रेनिंग देंगे और एडवाइस करेंगे कि कौन कौन सी किस्में हैं जिनकी वो खेती करके जो है अपनी इनकम को बढ़ावा दे सकते हैं।